मेंबर प्रीमियर ऑफ दी अथॉरिटी, तो हमारे साथ ही मौजूद हैं और वेरियस मसाइल जो हैं उन पर डिस्कशन करेंगे जो रेगुलेटर से रिलेटेड है। पहला हमारे साथ सवाल, हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। तो पहला हमारा सवाल ये है कि वी शुड बिगन विद दी कॉन्टेक्स्ट टू रीसेंट इवेंट्स, ठीक है जी। कुछ जो इवेंट हुए हैं जिसमें आपका सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है वो वेकेंट सीट्स का, हम इस बात समझ सकते हैं कि क्योंकि रेगुलेटर है और इसने रेगुलेशंस बनानी है और ये चाहता है कि उन रेगुलेशंस पे अमल दरामद हो, डेट्स जो दे जो साइकिल ये जारी करे वो फॉलो हो। लेकिन हमने ये देखा है जब रेगुलेटर जब ये काम करना चाहता था, जब डेडलाइन को फॉलो कराना चाहता था, तो हमने ये देखा कि बड़ा अब्रप्ट किस्म का काम हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे जिनका एडमिशन हो जाना था अगर ये वेकेंट सीट का मामला ना होता वो उनको नहीं हो सका। बेसिकली गलती तो यूनिवर्सिटीज की है, एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज की है, उनको पेनलाइज करना चाहिए था, जो भी पेनल्टी होती है उन पर लगती थी, दे ड्यू ए पेनल्टी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट जिनको एडमिशन नहीं मिल सका बिकॉज ऑफ दैट। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ कि पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी सीट्स खाली थी। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों सिस्टम नहीं बनाया जाता जो जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ पेनल्टी हो, ना सिर्फ इन जनरल बच्चे भी उसका जो है जो उसका जो वजन है वो बर्दाश्त करना पड़े गलतियों का। अच्छा, इसमें अली मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देने के लिए कि प्रीवियसली ये प्रैक्टिस नहीं होती थी। बीइंग अ रेगुलेटर, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एज अ रेगुलेटरी बॉडी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएं अपने स्टेक होल्डर्स, जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेजेस हैं। पहले ये होता था कि सारा साल आपके एडमिशन्स ही ख़त्म नहीं होते थे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आती रहती थी, कोटा की सीट्स फिल नहीं होती थी, बल्कि जिस साल की होती थी उस साल में नहीं होते थे, बच्चों की नॉमिनेशंस आ जाती थी, उनके एक एक साल ज़ाया हो जाता था। ज़ाया इन अ वे के वो ज्वाइन करते थे कहीं आखिर में जाकर, सेशन कब का शुरू हुआ है, क्योंकि नॉमिनेशंस नहीं आती थी, चाहे वो नॉमिनेशंस आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आनी है, कोटा सीट्स पर हैं या जो भी है, तो ये एडमिशन सारा साल ही चलते रहते थे। लेकिन देखिए, बीइंग अ रेगुलेटर यू वुड अप्रिशिएट कि हम लोग जो भी स्टेप्स लेना चाह रहे हैं अभी वो हम ही गाइडेंस देंगे, तो ये कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हमारे कहने पे उसको फॉलो करेंगी। उसके लिए हमें क्या करना है एज अ रेगुलेटर, हमें वो टाइमलाइंस या डेडलाइंस देनी है और फिर वी हैव टू मेक श्योर कि वो डेडलाइंस फॉलो की जाए। नुकसान अल्टीमेटली किसका हो रहा है? नुकसान अल्टीमेटली बच्चों का हो रहा है ना, कि वो सेशन लेट ज्वाइन करेंगे, टाइमली एडमिशन नहीं होंगे, क्लोज नहीं होंगे, तो मसला किसको आ रहा है? बच्चों को आ रहा है। तो देखिए, बीइंग अ रेगुलेटर, हम इस वक्त बच्चे भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम लोग अगर ये सब स्टेप्स ले रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ही ले रहे हैं कि, और आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली अभी हमने स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी की है, वी हैव आस्क्ड द यूनिवर्सिटीज हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, और आप नेक्स्ट ईयर देखोगे कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी। दे विल नाउ लर्न दैट दे हैव टू फॉलो द टाइम लाइन्स, दे हैव टू फॉलो द डेड लाइन्स, और इसमें आइंदा हमारे इन्हीं बच्चों के जो अपकमिंग हमारे सेशंस होंगे उसमें इन्हीं के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि पहले से ही चीज़ें डिफाइंड होंगी। ठीक है, तो अभी के सेशन में इस तरह से था कि हमारे रेगुलेशंस में तो क्लियर कट डेडलाइंस लिखी हुई थी कि जी 10 जनवरी तक पब्लिक यूनिवर्सिटीज ने करना है, उसके बाद 30th ऑफ जनवरी तक की टाइमलाइन थी हमारी प्राइवेट के लिए, और फिर 10th फरवरी तक था कि आपने जो स्पेशल सीट्स हैं या डेंटल के लिए काउंसिल ने स्पेशल प्रोविजन दी, एंड टाइम टू टाइम हमने यूनिवर्सिटीज को कॉलेजेस को उनको लेटर्स भिजवाए, उनको अपने पब्लिक नोटिसेस पे के थ्रू इन्फॉर्म किया, अपनी वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म किया कि दैट दे हैव टू फॉलो दीज 10 टाइमलाइंस, ताकि बच्चों में कोई कंफ्यूजन ना आए। तो इसमें हुआ ये कि टिल आई वुड से दिस 15 को हमारा काउंसिल का इजलास हुआ था, 17 तारीख तक ये था कि हमारी तकरीबन 5,800 कुछ सीट्स जो थी वो खाली थी। आपने भी देखा होगा, हमने प्रेस रिलीज में भी दिया कि काफ़ी सीट्स खाली थी, क्योंकि वही यूनिवर्सिटीज़ फॉर सम रीजंस अब डिफरेंट थी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को इश्यूज थे कि जी वो उन्हें कोटा सीट्स की नॉमिनेशंस नहीं आई। अब पहले ये था कि वो जाहिर है दे आर वेटिंग फॉर द नॉमिनेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, वो उन्हें नहीं पहुंची, दे कुड नॉट फिल अप दोस सीट। अच्छा, उसमें फिर हम लोगों ने एक्सटेंडेड उन लोगों को टाइमलाइंस भी दी थी, मतलब आपने 10th तक अगर हमने टाइमलाइन दी थी इनको फेब की, तो हमने एक्सटेंड किया उसको टिल 18th फेब, 3 विंडोज हमने दी थी इन लोगों को टू अपलोड देयर एडमिशंस फॉर एनी केस, अगर उनको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है अपलोड करने में, एडमिटेड लिस्ट अपनी अपडेट करने में, तो हमने उनको रिलैक्सेशन भी दी टिल 18th ऑफ फेबर। तो हमने तो हद दर्जे तक कोशिश की कि हम कॉलेजेस को गाइड कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें, और इस दौरान अगर हमें स्टूडेंट्स की भी अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही थी, तो हमारा एक डिपार्टमेंट यहाँ पे डिप्यूटेड था
जो कि ईमेल के थ्रू कंप्लेंट्स उन बच्चों की रिसीव कर रहा था, जो हमें थ्रू पोस्ट के कंप्लेंट्स आई वो भी थ्रू फोन भी, और उन कंप्लेंट्स को नोट किया गया और उन पर एक्शन लिया गया। तो ये फैसला जो वेकेंट सीट्स के हवाले से था, ये काउंसिल ने इसलिए लिया क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि वो सीट्स वेकेंट उस तरह से जाएं, और डेफिनेटली हमें ये भी मालूम था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस वक्त बहुत अच्छे मेरिट लेकर बैठे हुए हैं, बट फॉर सर्टन रीजंस कि जी कॉलेज नहीं उनको टाइमली अपनी प्रोसेस पूरी कर पाए तो उन बच्चों का नुकसान ना हो। तो यही इवन आई वुड से कि ये बच्चों के लिए ही ये स्टेप लिया गया था बाय द काउंसिल कि ये वेकेंट सीट्स हम इसको एज अ नेशनल पूल कन्वर्ट कर दें, और फिर उसके अंदर उन कॉलेजेस को टाइम दिया गया कि आप उसमें से बच्चे उठाएं और वेकेंट सीट्स के ऊपर मेरिट के ऊपर। और फिर हमने कई जगह पर कुछ लोगों के थोड़े बहुत एप्रिहेंशन ये भी थी कि जैसे सिंध में है, बलूचिस्तान में है, कि डोमिसाइल और वहाँ के लोकल बच्चों का, तो हमने तो इस चीज़ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कहा कि ठीक है आप उसी में से ही हमने बच्चे एलोकेट किए कि जो डोमिसाइल होल्डर थे सिंध के, बलूचिस्तान के, जो भी प्रोविंसेस थे, और मेरिट देखते हो। तो दिस वॉज टू फैसिलिटेट दोज चिल्ड्रन बेसिकली कि जो कोई रहना चाहिए। तो हमने कल तक का टाइम दिया था, कल रात 12 बजे तक 10 मार्च तक का टाइम था, जस्ट टू अपडेट यू बिकॉज अभी ये स्टार्ट हम लोगों ने टीम इज वर्किंग ऑन इट। हाँ जी, हमारी टीम वर्क करी, रात 12 बजे तक हमारे पास टाइम था। हमने कॉलेजेस को, तमाम पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस को कहा था कि वो अपनी एडमिटेड लिस्ट्स हमसे, फाइनल एडमिटेड लिस्ट्स शेयर करें, विच शुड इंक्लूड ऑल देयर कोटा सीट्स एंड एवरीथिंग, द नॉमिनेशंस व्हिच दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उसके अलावा भी अगर कुछ है। तो हमारे पास वो सारा डेटा आज मॉर्निंग में, आर टीम इज ऑन इट, दे आर कंपाइलिंग दैट डेटा नाउ। तो थोड़े बहुत स्टैट्स हैं इफ यू वुड लाइक, तो मैं थोड़े बहुत आपसे शेयर कर सकती हूँ बिकॉज वी आर स्टिल इन द प्रोसेस। सो दीज आर आई वुड से द अप्रॉक्सिमेट, आई वुड से जो मैं आपको स्टैट्स शेयर कर रही हूँ, नॉट द डेफिनेट वंस। डेफिनेट हमारे पास, हम इंशाल्लाह आज शाम तक, जब तक वो सारा का सारा प्रोसेस हमारा हो जाएगा कम्प्लीट और हम लोग उसको रिकनसाइल कर लेंगे, तो वील बी एबल टू शेयर द एग्जैक्ट फिगर्स। सो स्टार्टिंग विद द डेंटल कॉलेजेस, प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में हमारे पास टोटल 2,465 सीट्स थी, जिसमें से अब हमारे पास 841 वेकेंट आई एज पर द लास्ट नाइट। ये किस प्रोविंस में? मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट, मैं आपको मतलब मेन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इसमें से मैं आपको बता दूंगी एग्जैक्ट, हम आपको प्रेस रिलीज जो आज शाम में आएगी उसमें सारा कॉम्प्रिहेंसिवली विद ऑल सेग्रीगेशन कौन कौन सी प्रोविंसेस है वो उस तरह से हम शेयर करेंगे। अच्छा, अब इन 841 सीट्स में 588 सीट्स जो है ना वो सिंध की हैं। 588 टोटल सीट्स सिंध की हैं ही 740, और उसमें से 580 अभी जो वेकेंट आ रही हैं 588 वो हमारे सिंध के कॉलेजेस की आ रही हैं। एंड बट वी इसमें 8 डेंटल कॉलेजेस हैं सिंध के who actually elected to follow the Sindh government's decision के 50% से below बच्चे जो हैं वो या एंटी कैटजन का क्लियर नहीं होगा वो उनको भी, वो तो रेगुलराइज नहीं होंगे किसी सूरत भी, वो इसी वजह से शायद वो एंटर नहीं कर पाए ना, क्योंकि हमारा पोर्टल में आप एंटी कैट क्वालिफाइड बच्चे को ही आप एंटर कर सकते हो, प्रीरिक्विजिट है। तो हमने तो एलोकेट करके इनको सारी सीट्स फिल इन करके भेज दी थी, इसका मतलब ये है कि सिंध में वो बच्चे मौजूद हैं जो कि मेरिट को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, 65% बच्चे 65% अबव एंटी कैट मौजूद हैं जो कि वो इस इन कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन चूंकि इन कॉलेजेस ने ऑप्ट किया कि नहीं हम 50% वालों को भी देंगे, तो उन्होंने वो बच्चे प्रॉबेबली एडमिट कर लिए है या जैसे भी है, तो अब इनकी 588 सीट्स वेकेंट शो हो रही हैं हमारे पास, वो 8 कॉलेजेस। अब बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं इनमें ऐसे भी हिमाचल के साथ कि जिन्होंने बच्चे एडमिट भी किए हुए हैं, मतलब उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मतलब हम जानते हैं पूर्ति की खबर आती है कहीं से, एक जिस नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन कराची में एक स्टूडेंट जिस तरह उसने बच्चे डेंटल में सारे बिठाए हैं, लेकिन जब आप देखते हैं उसकी लिस्ट तो लिस्ट में जीरो बच्चा आ रहा है लेकिन वो क्लासेस हो रही है डेंटल की, तो ये जो मामला है ये तो इस तरह से देखिए इसी मामले के ऊपर ही तो हमारी बातचीत हुई, पहले भी हुई, और इसी के ऊपर हमने बार बार कॉलेजेस को वार्न भी किया कि एज पर रेगुलेशंस, देखिए हम रेगुलेटरी बॉडी है ना, तो हमने तो रेगुलेशंस फॉलो करवानी है,
तो हमने क्लियर कट सिंध गवर्नमेंट को भी लिखा था और इस बारे में हमने अपनी पब्लिक अनाउंसमेंट्स प्लस पब्लिक नोटिसेस भी दिए कि जो स्टैंडर्ड है वो है कि एक बच्चा 65% MTCAT क्वालिफाई किया हुआ हो तो वो एलिजिबल है एडमिशन के लिए. अगर वो इससे कम है तो वो एलिजिबल नहीं है. तो अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा तो PMC बहुत दफ़ा पहले भी हर एक को वॉर्न कर चुका है, थ्रू न्यूज़पेपर्स भी दे चुका है कि हम उस बच्चे को रजिस्टर नहीं कर सकते. PMC एज पर लॉ उस बच्चे को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इशू नहीं कर सकता और यही वजह है कि हमारे PMC बोर्ड के ऊपर वो बच्चा एंटर हो ही नहीं सकता. और पॉइंट यहाँ पर यह है कि या तो होना कि बच्चे आपके पास क्वालिफाइड बच्चे मौजूद ना हो. आपके पास बच्चे मौजूद हैं, आप उनको छोड़कर जो एक मेरिट पे 65% प्लस है आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोअर मेरिट वाले बच्चे को ले आएंगे. मतलब वो उनका क्या कसूर है? तो आप वी एज ए रेगुलेटर वी नीड टू इंश्योर कि जो बच्चा मेरिट क्वालिफाई कर रहा है वो डिजर्विंग है कि नहीं है. वो डिजर्विंग है ना, तो हमने तो ये इंश्योर करना है कि उसके राइट्स प्रोटेक्टेड हो. बिल्कुल, जो कानूनी राइट्स हैं जी, उसके राइट्स हैं. तो हमने तो वो प्लेसमेंट्स करके कॉलेज को भेजी, हमने उनके हिस्से का काम किया. जो वेकेंट सीट्स वो सारी छोड़ चुके थे, हमने कहा अच्छा चले ठीक है, हम अपनी लिस्ट में देखते हैं आपके ही सूबे में अगर 65% प्लस क्वालिफाइड बच्चे मौजूद हैं हम आपको बताते, आप प्लीज उनको एडमिशन दें. हमने प्लेसमेंट्स करके भिजवाई बट स्टिल वी आर हैविंग वेकेंट सीट्स हियर. ये प्राइवेट की होगी, ये प्राइवेट की आगे जी. पब्लिक डेंटल कॉलेजेस वी हैव इन टोटल 1217, उसमें से आपके पास 146 सीट्स अभी वेकेंट शो हो रही, तो दिस मेक्स अबाउट 12% वेकेंट. तो ये भी आप ये कह लें कि ये स्टैट्स पब्लिक डेंटल कॉलेजेस में हमने इसी तरह से प्लेसमेंट्स करके भेजी थी, तो दिस कुड बी यू नो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, दिस मे बी दिस इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द डेंटल कॉलेजेस. मे बी मोर स्टूडेंट्स दे ऑप्ट फॉर MBBS. दो के हमने प्लेसमेंट्स की, बच्चों ने हमारे पास जो उन्होंने अपनी चॉइसेस दी हुई थी उसमें कुछ बच्चों ने बोथ भी लिखा हुआ था, कुछ ने सिर्फ डेंटल का कुछ ने किया हुआ था, बहुत कम थे जिन्होंने डेंटल को ऑप्ट किया हुआ था. बाकी ज़्यादातर आपको भी पता है कि MBBS की तरफ ज़रा थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं बच्चे. तो ये बच्चे जो डेंटल कॉलेजेस में प्रॉब्ली हमने उनको तो प्लेस किया बट दे नेवर वांटेड टू जॉइन दोज डेंटल कॉलेजेस इवन बीइंग अ पब्लिक डेंटल कॉलेज. तो मे बी दे हैव दिस, कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे पास है क्योंकि हमने आप को मैं बताना चाहूँगी कि हमारी टीम यहाँ पर पिछले कुछ वीक से लेट नाइट वी हैव फॉर द एडमिशन ऑफ दीज चिल्ड्रन यू नो वी हैव बीन ट्राइंग टू डायरेक्टली talk to those children who are facing problems, who are calling us, asking them कि कहाँ पे issues आ रहे हैं, क्या करना चाहिए. तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा कि जी हम इस साल एडमिशन नहीं लेंगे, अगर हमारा नहीं हो रहा हम नेक्स्ट ईयर ले लेंगे क्योंकि हम MBBS में जाना चाहते हैं और अभी हमारा मेरिट जो है वो उसमें नहीं फॉल कर रहा. तो सो इन शॉर्ट वी हैव 146 पब्लिक डेंटल कॉलेजेस. इसमें एक मिक्स्ड ही है, वी हैव सम इन पंजाब एज वेल एंड इन सिंध एज वेल. सो इन टोटल 12% जो है वो हमारी सीट्स इन टोटल 12% आर वेकेंट ऑफ द टोटल 12%. सो बाकी मैंने जैसे आपसे कहा कि एग्जैक्ट स्टैट्स विद आफ्टर वेरिफिकेशन एंड यू नो कंपाइलिंग द होल डेटा विल बी शेयरिंग थ्रू द प्रेस रिलीज. तो ये भी प्रिलिमिनरी जो हमने अभी वर्क काम किया है जस्ट फॉर यू और आपके जो हैं और कोलीग्स उनके लिए. आई एम शेयरिंग दिस विद यू राइट नाउ. अच्छा नाउ वी कम टू द मेडिकल कॉलेजेस. मेडिकल कॉलेजेस का ये था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस टोटल हमारे पास 8,652 सीट्स हैं जिसमें से अबाउट 196 आर वेकेंट. 196 सीट्स आउट ऑफ 8,652 जिसमें से 2.2% बनती है और उसमें से सिंध की 175. अगेन देयर इज अ ट्रेंड नाउ वी कैन सी अ ट्रेंड. या सो आउट ऑफ 196 सिंध की 175 है और वो चार कॉलेजेस हैं हमारे जो कि सिंध के जो हु ऑप्टेड फॉर द सेम के
उसकी वजह से क्राइटेरिया से डिविएट तो वो तकरीबन वो जी क्राइटेरिया से डिविएट कर रहे थे, तो वो तकरीबन 148 सीट्स उनकी बनती हैं उन कॉलेजेस की आउट ऑफ 175 उन चार कॉलेजेस की मेडिकल कॉलेजेस में। तो अगर आप इनको निकाल दें तो इन टोटल आपकी एक्चुअली 8,652 में से 48 वेकेंट सीट्स बनती हैं जो कि इट्स लेस देन 1%, सो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में वी हैव 8,465 इन टोटल सीट्स और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 250 सीट्स खाली गई हैं पब्लिक में, और यहाँ पे भी सिंध में 156 सीट्स हैं पब्लिक में, पब्लिक एमबीबीएस यस। और ये भी कोई पांच कॉलेजेस हैं जिसमें प्रॉब्ली 118 सीट्स इनकी खाली गई हैं पब्लिक। ये क्या सिर्फ कोटा पे है या कोई और चीज? ये डिटेल्स तो मैं अभी आपको नहीं बता सकूंगी, सेल्फ फाइनेंस है या कोटा है, हमारे पास तो लमसम अभी इस वक्त जो नंबर्स मौजूद हैं वो है। So these were just the highlights or just for you to, you know, ke information ke liye. Baki, as I mentioned earlier, ke through press release, hum log abhi hamari team is pe kaam kar rahi hai. Aur jo consolidated baki data hoga, we'll be sharing shortly. Next question ye hai ki maine bachon ne kuch sawal pucha isme ki ab pehle to ye hota tha ki jo regulator tha, jo PMDC thi pehle, uska ye tha ki aap migration agar पहले साल में है तो आप नहीं करा सकते थे। अब पीएमसी ने ये मतलब माइग्रेशन एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में पब्लिक टू पब्लिक प्राइवेट टू प्राइवेट ट्रांसफर आप कह रहे हो जी जी माइग्रेशन, तो आप कुछ सीट्स ऐसे खाली नजर आ रही है उनको जैसे सिंध में है जैसे केपीके में है, अगर बच्चे वो कर सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। जी बिल्कुल, अगर उनकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो वो कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी कैसे अब ये बिल्कुल ये उन्हीं के उसमें आ जाते हैं। और ये जो वेकेंट सीट्स हैं, हमने पहले भी ये चीज बच्चों की इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दी थी कि ये जो वेकेंट सीट्स अब जाएंगी इसमें अगर जाती हैं तो दे कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस, आई मीन फॉर ट्रांसफरिंग। अगर कोई बच्चा चाहता है जाना और यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है जहाँ जाना चाह रहे हैं वो भी अलाउ कर रही है, तो यू कैन गेट द कंसेंट एंड गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ ट्रांसफर। ठीक ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन था कि इसके मतलब कोई खास में डिटेल्स नहीं डाल सकती थी, नेशनल स्कॉलरशिप मतलब ये क्या क्राइटेरिया, बेसिकली नीड है या मेरिट है या बोथ है, किस क्राइटेरिया पे ये दिया जाता है? क्योंकि अभी तक आ रहे हैं बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि जी हमें अब आने लग गए, मेल आती है उसके लिए कि भाई आपका स्कॉलरशिप आ गया, तो इसका क्राइटेरिया बेसिकली क्या है, क्या असेसमेंट है? देखिए उसमें ना बच्चों से कुछ कागजात उनके कुछ एविडेंसेस मांगे गए थे। अब अगर स्कॉलरशिप आपने एलोकेट करना होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखनी होती हैं, उसमें उन बच्चों की फॉर एग्जाम्पल बताऊँगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि स्टेटमेंट ऑफ नीड मंगवाई, उनसे एविडेंसेस मंगवाए कि वाकई वो हकदार हैं उस स्कॉलरशिप के कि नहीं। हमारे पास तकरीबन कोई 10,000 एप्लीकेशन आई थी। अब उन 10,000 में फिर हमने ये भी देखा कि मेरिट में वो बच्चा कहाँ फॉलो कर रहा है। अगर वो बच्चा बहुत हाई स्कोर भी लिया हुआ है प्लस उसके पास एविडेंस भी है कि वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना तो चाह रहा है लेकिन वो अफोर्ड नहीं करता, तो फिर पीएमसी ने कहा कि ठीक है वी आर हियर एंड वी कैन हेल्प यू आउट विद दिस। तो वो उन बच्चों के तमाम चीज़ें देखी गई, मेरिट क्या है, जाहिर है जो बच्चा बहुत हाई स्कोर लेके बैठा हुआ है लेकिन अफोर्डेबिलिटी इशू है, उसके घर वाले नहीं सपोर्ट कर पा रहे उसको, और उसने वो चीज़ अपने एविडेंस के थ्रू जो कि जाहिर है वो वेरिफिकेशन हमारा काम था करना जिसमें थोड़ा इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस भी जी, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड अबाउट इट, but definitely we are there to help those deserving students. This was never done earlier. So this is done for the first time, an initiative for those children who want to pursue this career, medical career, but due to affordability issues wo nahi kar pa rahe. To I think ye bahut acha hai aur usme hame badi appreciation duaen parents ne jin logon ko humne bheja bahut acha response mila hai. Badi khushi ki baat hogi kyunki Rita sahab aksar kehte hain ki bhai मुझे जब इस तरह के मैसेज आते हैं तो बहुत खुशी होती है, मतलब डेफिनेटली होती है क्योंकि उसके अलावा तो उनको आपको पता ही है कि लानदानी मिलती है तो नहीं। देखिए बीइंग अ रेगुलेटर ना आपको कहीं बहुत सारी जगहों पर आपको सख्ती करनी पड़ती है, जहां आप सख्ती करते हैं ना तो वहां सख्ती इतनी एक्सेप्टेबल नहीं होती, चाहे वो कॉलेजेस होंगे चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं। हम बीइंग रेगुलेटर जहां सख्ती करेंगे हम बुरे बनेंगे, हम विलन कहलाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है प्रोसेसेस फिर हमने ही ठीक कर दी। अगर हम लीनियंट हो जाएंगे और ये एकदम प्रोसेसेस ठीक होंगी भी नहीं, जैसे कि आपने बात की कि ये जो आपने बताया कि हम डेडलाइंस जो फॉलो करा रहे हैं इसका मकसद ये कि इन फ्यूचर जो है ना ये वायलेशंस ना हो। वायलेशंस ये देखें इट्स एवरी स्टेप
इज मतलब जो भी हम ले रहे हैं ना वो लर्निंग है, नॉट जस्ट फॉर अस, फॉर द यूनिवर्सिटीज हु वेंट थ्रू दिस प्रोसीजर. सारी सारी रात बैठे हैं ना, सबने काम किया है और मैं कहूँगी कि बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया है, हमारी डायरेक्शंस को फॉलो किया है. आई वुड रियली अप्रिशिएट ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस जिनसे हम, हमारी टीम यहाँ पे 24/7 लगी रही है उनके साथ. हमारी आईटी टीम है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक डेजिग्नेटेड टीम है जो फोन कॉल्स के ऊपर यूनिवर्सिटीज के साथ, कॉलेजेस के साथ रबते में रही है, और उनकी टीम्स वहाँ पर सारी सारी रात बैठ के उन्होंने की है. तो कुछ उन्होंने सीखा, कुछ कॉलेजेस ने सीखा, कुछ बच्चों को भी पता चला कि ये प्रोसेस है और ये आइंदा इस तरह से ही फॉलो होगा. तो डेफिनेटली विद टाइम ये प्रोसेस रिफाइन हो जाएगा. ठीक ठीक. अच्छा, एक और मामला जिसपे बड़ा आप देखते हैं कि एक पॉलिटिकल बैटल भी होता है, वो है जी एच ई सी एंड फाटा की, जो फाटा की जो सीट्स हैं, जो एच ई सी बाय नॉमिनेशन सेलेक्ट करता है, उनका मामला देखते हैं कि हम कभी रोडों पे होते हैं, कभी वो पार्लियामेंट हाउस के सामने होते हैं, कभी कहीं होते हैं, उनके लीडरान भी यहाँ मौजूद होते हैं. तो ये इसका क्या मामला है, ये मैं समझ नहीं आ रही कि क्या तराजा क्या है. देखिए, एच ई सी ने कुछ अपनी कोटा की सीट्स रखी हुई हैं फॉर एक्स फाटा एंड फॉर बलूचिस्तान स्टूडेंट्स. अब ये था कि ये पहले कभी नंबर ऑफ सीट्स इन विच कॉलेजेस, पब्लिक कॉलेजेस वाज नेवर वेरी क्लियर. तो होता ये था कि इनकी तरफ से नॉमिनेशंस आती थी प्रीवियसली, मैं आपको प्रैक्टिस बता रही हूँ, वो सारा साल उस पर कभी हुई है नहीं हुई है एडमिशंस नहीं पता लगता. खैर, इस दफ़ा पीएमसी ने उनसे वो हमारी इसके ऊपर कई फोरम्स के ऊपर, एचईसी की भी और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर हमारी और एचईसी की मीटिंग्स हुई हैं. इवन विद दी यू नो द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, हमने तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बुलवा कर उनके साथ एक मीटिंग की उन इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए कि भाई आप हमें एक्चुअल नंबर बता दें कि प्रोविंसेस अपने अपने पब्लिक कॉलेजेस में ये एचईसी के कितनी सीटें नॉमिनेट करना चाहते हैं इन स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए. वो क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए उनको जो 65, क्योंकि कुछ मामला ये भी था कि पिछले साल हमने देखा था कि वो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे थे जी, वो नॉमिनेशंस क्योंकि उनका भी क्राइटेरिया है नहीं, वो पॉलिटिकल नॉमिनेशंस है. तो ये ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई उनके लिए भी कोई सेट क्राइटेरिया बना दिया जाए. क्राइटेरिया तो है, क्राइटेरिया वही है कि आपने 65% आपका एमटीकैट अप्लाई होगा चाहे वो कोटा सीट से. देखिए, पहले ऐसे नहीं होता था. पहले ये था कि आपने अगर एडमिशन लेना है, लो नंबरों पे लेना है, तो फलानी जगह का डोमिसाइल बनवा लो और आपका कोटा पे एडमिशन हो जाएगा. और जो भी उस इलाके का मलिक होता था उसको केबीके की बात कर रहा हूँ जी, मतलब हर जगह ही था ना, ऐसे ही था. इट वॉज काइंड ऑफ अ बैक डोर फॉर दोज पीपल हु वर एट लो मेरिट. तो देखो, अब हमने ये कहा कि भाई आप बेशक कोटा पे करें, अब प्रोविंसेस बता दें कि वो इस चीज का इतना कोटा रखना चाहते हैं, वो परव्यू प्रोविंसेस का, उसमें हम नहीं कहेंगे. हम ये कहेंगे कि एक कॉलेज है, जैसे कि आप कह लो कि खैबर मेडिकल कॉलेज है, उसकी 150 सीटें हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल. तो पीएमसी ने कहा कि आप 150 बच्चा एडमिट कर लें. अब उस 150 में से आप 50 फाटा को देते हैं, 50 बलूचिस्तान को देते हैं, 50 ओपन मेरिट रखते हैं या सेल्फ फाइनेंस रखते हैं. So that is up to the college to decide and the provincial government to decide कि वो अपने लिए क्या public college में क्या policy रखना चाहते हैं. We are not going to dictate that. तो ये HEC scholarship program का भी यही मामला था. हमने कहा कि provinces बता दें कितनी सीटें कहाँ चाहते हैं, हम आपको वो उतनी allocate कर देंगे. Admissions HEC नहीं करने हैं उसके ऊपर, अपने उसके मुताबिक. लेकिन those children being admitted on these seats, 65% जो उनका वो है वो तो होगा फॉर दिस ईयर. यस, तो ये चीज जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो तो हर कोटा सीट पे अप्लाई होगी इन फ्यूचर आल्सो. सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी बैक डोर टू इट. ठीक है, ठीक है. अच्छा, एक और कुछ चीजें आपको, ऐसी बात है कि एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो है वो एमडीकैट जी, वो बड़ा इवेंट होता है. थोड़ा थोड़ा टच करेंगे क्योंकि अभी बोर्ड ने आप जो सिफारिशात है जो आपने दी थी उनको उस पर जो काम है वो अभी तक नहीं आया. जस्ट टू गेट एन आउटलुक कि इस साल हमने देखा कि स्पेशल कंडीशंस थी कुछ, तो उन स्पेशल कंडीशंस के तहत आपको ये कहा गया कि आप इलेक्टिव मार्क्स जो है ना फिजिक के वो कंसीडर करें. अब इसके वजह से मसाइल ये पैदा हो रहे हैं कि इस साल तो हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है जी, बच्चों के साइंस के मार्क्स कंसीडर कर लिया. मसला ये आ रहा है कि जो अगला साल, अगला जो बैच आएगा जो 2022 का बैच है, वो नॉर्मल इम्तिहान देगा, वो उसी तरह इम्तिहान देगा जिस तरह से पहले दिया जाता था, तमाम सब्जेक्ट्स का देगा, तमाम उसके वाइवाज भी होंगे और सॉरी प्रैक्टिकल्स भी होंगे, उर्दू सामयाब भी होगी. तो जो स्कोर था ना वो नॉर्मल पे आएगा. अरे तो इस बार तुमने देखा कि अब नॉर्मल स्कोर रहा ना, मतलब 1090, 1095, 1096. तो आप उसकी बात कर रहे हैं जो एफएससी, हाँ, मैं एफएससी में आ रहा हूँ कि अब ये स्कोर था. अब जब
नॉर्मल इम्तिहान होंगे तो 10-20 पे उसी तरह टॉप होने लग जाएंगे जिस तरह हमारे जमाने में था। तो अब मसला ये है कि अब ये बच्चे जो आएंगे जो इस साल इम्तिहान दे रहे हैं ये तो नॉर्मल स्कोर के साथ आ रहे हैं, अब जो पिछले साल के हैं वो तो बहुत हाई स्कोर के साथ हैं, तो क्या क्राइटेरिया बनाया जाएगा जिसके तहत इनको आप एक लेवल पर लेके आए। बेसिकली ये काम तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, लेकिन फिर भी वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ही भवे में आ जाता है। हमने तो एमडी कैट की अगर आप बात कर रहे हो ना, देखो एमडी कैट में तो वही मेन सब्जेक्ट्स होंगे जिनका उन्होंने एग्जाम देना होगा, चाहे वो तमाम पेपर्स का पीछे से एफएससी में जो भी दे रहे हैं, क्योंकि एफएससी के मार्क्स कैलकुलेशन तो उनकी आगे मेरिट कैलकुलेशन में यूज हो रही है ना, नॉट फॉर द एमडी कैट पर्पस। एमडी कैट तो एक इम्तिहान है जो कि पीएमसी ले रहा है, ठीक है, और ये अभी सेंट्रलाइज इसीलिए ले रहा है कि एक ही लेवल के ऊपर गेज कर रहे हैं तमाम बच्चों को। फिर उसका एक एलिजिबिलिटी में हमने रखा कि जी 65% एमडी कैट पास होगा बच्चा तो वो क्वालिफाई करेगा अप्लाई करने के लिए एडमिशन्स के लिए। तो एमडी कैट में तो वही 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि उनके असेस किए जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश। ये एफएससी की वेटेज, क्योंकि इस साल जो था ना ये एफएससी की वेटेज तो देखें जो उस पे इलेक्टिव्स काउंट होते हैं, ये इस साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था, वो तो फिर अब नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा कि उसमें क्या, वो तो मेरिट कैलकुलेशन पे आ जाता है ना कि पब्लिक कॉलेजेस में देखो हमने तो ये कहा है कि आपने जो पब्लिक कॉलेजेस हैं 50% वेटेज देंगे एमडी कैट को, उसके अलावा वो चाहें तो जितनी मर्जी अपना एमडी कैट ले लें, अपना ले लें या अपना एफएससी को कितनी देना चाहते हैं, मैट्रिक को देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, इससे तो उनका अपना है। पीएमसी एक्ट ये कहते हैं कि 50% उन्होंने एमडी कैट को देना है, तो वो तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या था, और वो पब्लिक कॉलेजेस या पब्लिक जो हमारी सॉरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके ऊपर अपने अपने प्रोविंसेस में एफएससी का जो मामला है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी, इलेक्टिव्स हैं फुल है कितना जाना है आपका ताल्लुक, क्योंकि इस बार स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा था कि आप जी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो इस बार आपका कोई उससे ताल्लुक नहीं हो, लेट्स सी हाउ इट गोस। लेकिन अभी तक हमारा तो हम तो यही पीएमसी का काम है एमडी कैट के हवाले से कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए, एमडी कैट का सिलेबस बच्चे को फॉलो करें, टाइम से इम्तिहान दें, जो क्वालिफाई करेंगे वो फिर अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए, और एडमिशन्स के टाइम पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का अपना होगा पब्लिक कॉलेजेस के लिए वो अप्लाई होगा उनके ऊपर। अच्छा एक और ये अक्सर सवाल आपको आया भी होगा, बहुत दफ़ा आया बल्कि सिलेबस के मुताबिक एमडी कैट का सिलेबस, क्योंकि पिछली बार ये कहा गया था कि जल्दी आ जाएगा, मतलब सिलेबस जो है वो मतलब 4-5 महीने पहले आएगा, अभी तक तो काफ़ी टाइम भी हो गया एमडी कैट को, हमने नोटिफाई तो कर दिया हुआ है आपने शायद, वो पुराना ही है, उन्होंने कहा था जो अभी जो बोर्ड जो नई असेसमेंट देगा वो इस तरह से है कि देखिए इसमें हमने बच्चों की क्लैरिटी के लिए प्लस ये कि वो ज़्यादा एप्रिहेंसिव ना हो परेशान ना हो इसके ऊपर, तो हमने उनको ये बताया कि इस सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी, अगर हुई भी तो कुछ एडिशंस नहीं होंगी। देखिए ज़्यादातर बच्चे किस चीज़ पे परेशान होंगे कि कुछ और ऐड कर दिया, ठीक, यानी उन्हें मज़ीद कुछ और का स्ट्रेस आ गया कि अच्छा ये भी है ये भी है ये भी, तो उसको हम हमारा बोर्ड सिर्फ उसको थोड़ा बहुत आप कहें कि रैशनलाइज कर रहा है, देख रहा है कि उसमें मज़ीद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मे बी एक्सक्लूड करना चाहें, ठीक ठीक, क्योंकि एमडी कैट देखें इट इज़ अल्टीमेटली पीएमसी का विजन ये है कि एमडी कैट शुड नॉट बी अ रेपिटेशन ऑफ एफएससी, इट शुड रादर बी यू कुड से अ क्वालिफाइंग एग्जाम व्हिच प्रिपेयर्स अ स्टूडेंट और व्हिच इंडिकेट्स दैट दिस स्टूडेंट क्वालिफाइज टू एंटर इनटू अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस और अ बीडीएस कोर्स, कि उसको वो बेसिक नॉलेज पता है कि जब आप खुद भी यूर अ मेडिकल स्टूडेंट राइट, जब आप गए हो तो वो जो एक गैप होता है ना बीच में जब हम आप एफएससी करके एकदम फर्स्ट ईयर मेडिसिन में ज्वाइन करते हो तो कुछ आपको लगता है कि ये तो कुछ और ही लैंग्वेज है कुछ और ही चीज़ें हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो कि हम समझते हैं कि जैसे बॉटनी है या बहुत सी ऐसी चीज टॉपिक्स हाँ, सो यू रियली डोंट नीड दैट देयर वो नॉलेज, तो हम उस पर बच्चे को क्यों असेस करें एमडी कैट, हमने वो बच्चे को उस पर असेस करना है जो उसको आगे जाके पढ़ना है, बेसिकली इट इज अ सब्जेक्ट असेसमेंट एग्जाम ना, तो वही देखना है कि हाँ कि वो, लेकिन एक मजे की बात ये है कि अक्सर वीपी साहब कहते हैं ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो काइंड ऑफ देखो अल्टीमेटली हमें उसी तरफ जाना है, अल्टीमेटली हमें उसी तरफ जाना है, जैसे मैंने पहले कहा इट शुड नॉट बी अ रेपिटेशन ऑफ योर एफएससी, बच्चे की जिस तरह से होता है ना कि हाउ यू सोचने का जाविया क्या है, वो चीज असेस की जाए उस एग्जाम के थ्रू, एंड डेफिनेटली विद टाइम विद इयर्स वी आर गोइंग टू इम्प्रूव दिस, एंड डेफिनेटली वो बच्चे भी उस पर ट्रेन होते जाएंगे
और बच्चे अब आजकल ज्यादा शार्प है, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है। चले मैम, थैंक यू वेरी मच, हमने आपको काफी टाइम ले लिया। थैंक यू सो मच। बंद कर। थैंक यू।